हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू प्री राखी सेलिब्रेशन। सो आज हम सच दज के जा रहे हैं राखी सेगमेंट करने के लिए। एंड लास्ट ईयर हमने बहुत सारे सेगमेंट्स और इंटरव्यूज किए थे विथ मेनी चैनल्स। सो टुडे वी आर डूइंग विथ आज तक। बहुत ही बिजी शेड्यूल था, सो हमने सोचा कि हम थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं एंड सेगमेंट करते हैं, ताकि आपको भी यू नो थोड़े फन सीक्रेट्स पता चले हमारे बारे में। एंड बहुत ही जल्दी लाइव होगा ये, सो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी। सो राज ने ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट पहना है पिंक कलर का, एंड मैंने भी कुर्ता सेट पहना है। दुपट्टा मेरा ये रहा। मैं वहां जाके अच्छे से प्रॉपरली ड्रेसअप होके फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। सो या दैट्स अबाउट इट। आई एम वेरी एक्साइटेड। राज एक्साइटेड? और वहां पे ना जब क्वेश्चंस पूछते तब ऐसे याद नहीं आता है कि क्या। एक्चुअली मैं तो बहुत प्रिपेयर्ड होता हूँ कि सुनूं के पोल खोलूंगा वहां पे जाके, बट वहां पे जाके वो निकलते नहीं है मुंह से, कुछ बलता ही निकलता है। बट या वेरी मच एक्साइटेड। हम लोकेशन पर आ गए हैं। वी हैव कम एट ग्लोबल जंक्शन मलाड, एंड आज तक की टीम वहां पर है। कैमरा सेटअप हो रहा है एंड हमें एंट्री का शॉट लेना है। बहुत ही ऐसा लग रहा है मुझे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड फिर हम एंट्री शॉट करेंगे, फिर अंदर राखी के शॉट्स करेंगे, फिर सीक्रेट्स फिल करेंगे। आउटफिट तो दिखाए नहीं? हाँ, आउटफिट मैं दिखा देती हूँ, सॉरी मैं भूल ही गई थी। सो मैंने ये ब्यूटीफुल सा फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ है, थोड़ा वर्क किया हुआ है एंड लाइट सा मेकअप किया हुआ है। लेट मी शो यू राज का आउटफिट। बहुत ही अच्छा पिंक कलर का कुर्ता है। वाह राज, वाह, ये देख असली असली। चलो I'm wearing this normal pink कुर्ता with a pajama, एंड मुझे नीचे कुछ मिल नहीं रहा था, मोजरी या वो सैंडल्स वगैरह, सो मैंने अपने स्लिप ऑन शूज डाल दिए। एंड शू बाइट भी होता है, तो इट्स बेटर यू आर वेयरिंग कंफर्टेबल थिंग। यस, चलो। एंड ये है हमारी आज तक की टीम, जो आज हमारा सेगमेंट करने वाले हैं, रक्षाबंधन सेगमेंट। सो आप देखना ये सेगमेंट कैसा होने वाला है, एंड हम तो आज तो पोल खोल करने वाले हैं। सो बी रेडी। चलो, उनको भी कुछ शूट करने दे। मैं भी शूट कर रही हूँ अपने YT ब्लॉग के लिए। सो हमें आप वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। ओके, यहाँ पे भी प्रमोशन फ्री में कर लिया इसने। हम वहाँ पे बहुत सारी फन चीजें करते हैं और यहाँ पे भी करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो फिर घर चले जाओ। अरे भाई साहब, टफ कॉम्बिनेशन दे रही है। मैं जा रहा हूँ। ये तीन बार हो गए, याद रखना। बहुत टफ होने वाला है कॉम्बिनेशन। इट्स नॉट लाइक मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ताकत लगा रहा हूँ। चलो मैं हार मान गया, हार मान गया। ये यहाँ पर मेरे पास है आरती की थाली रेडी, यहाँ पर है राखी, यहाँ पे है राज का फेवरेट लड्डू, यहाँ पर है चांदी का कॉइन। एंड अब हम शुरुआत करेंगे राखी सेगमेंट की। तो हमारे सेगमेंट में डिलीशियस खाना भी यहाँ पर है, पिज्ज़ा एंड पास्ता। और ये रहा राज। तो लंच में मैं हूँ। लंच में हमारे पास है पास्ता, पिज्जा और राज। मैं कब से खाने? सो इट्स लाइक कॉफी विद करण, सो इट्स लंच विद राज। यू कैन से दैट। तो अब हम आ गए हैं इनॉर्बिट मॉल, बिकॉज राज का एक ब्रांड शूट है। उसके लिए हमें पर्टिकुलर गोल्डन कलर चाहिए, वही हम ढूंढ रहे भटक भटक के। एंड रक्षाबंधन वाला सेगमेंट तो बहुत ही अच्छा था, मैंने कुछ कुछ ही क्लिप्स लिए। वो जब अच्छा था। हाँ, आप वो पूरी इंटरव्यू आएगी तब वो आप देखना, तो मज़ा आएगा। आएगा तब देखना, बिकॉज अभी मैं सारे क्लिपिंग्स यहाँ पे ऐड कर दूंगी तो आपको इंटरव्यू का मज़ा नहीं आएगा। सो वी हैड सो मच फन। हमने लास्ट में तो गुलाब जामुन और रबड़ी भी खाई। चलो हंट करते क्लोथ्स, वही करने आए हम, फटाफट जाना है। मेरा भी एक ब्रांड शूट है, वो मुझे करना है कंप्लीट। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग बिकॉज इट्स फेस्टिव सीजन। या तेरे अलार्म बजे ही नहीं? बजा ना, मम्मी उठा रही मेरे। अरे व्हाट्सएप ना पीपल, गुड मॉर्निंग। सो हम सब उठने की, बारिश की, अलार्म की बात कर रहे हैं। मॉर्निंग के बज रहे हैं 7, हम उठ गए थे 5:30 बजे। एंड मैंने वो राखी इंटरव्यू के बाद कुछ शूट नहीं किया, सो अभी डायरेक्टली शूट कर रही हूँ। सो दिस इज लाइक अ प्री राखी सेलिब्रेशन शूट वी आर डूइंग फॉर अ ब्रांड। सो मैंने सोचा चलो इसे भी इस ब्लॉग के साथ कंटिन्यू करते हैं। अभी तक तो राखी आई नहीं है, बट हमने ऑलरेडी 2-3 बार राखी सेलिब्रेट कर ली है ऑलरेडी। राज हमें ड्राइव करके लेके जा रहा है स्टूडियो लोकेशन पे। एंड
बारिश अचानक से आ गई है मुंबई में फिर से एंड इट्स नाइस टू सी बारिश इन मुंबई. सो पूरी रात जो है कल बारिश हुई है एंड नींद भी नहीं आ रही थी बिकॉज बारिश की जो है आवाज आ रही थी. मजा आ गया. लेट मी शो यू द वेदर. बहुत ही ब्यूटीफुल सा ठंडा ठंडा वेदर है. ग्लूमी है. चलो चलते हैं स्टूडियो जाके. राज अपना जो है राखी आउटफिट पहनने वाला है. मैं अपना ऑलरेडी वेयर करके ही चल रही हूँ ताकि यू नो वहाँ पर टाइम पास ना हो. अभी थोड़ी एनर्जी लो लग रही है बिकॉज 2-3 घंटे सोए हम एंड फिर उठ गए हैं. बट दिस इज हाउ इट इज. दैट्स हाउ यू रोल एंड वर्क. सो इट्स सो मच फन. बट आफ्टरनून में थोड़ी नैप ले लेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर द ब्लॉग. इट्स गोइंग टू बी फन. बाय बाय. Finally we are here and Raj kar raha hai apna makeup. I love morning shoots a lot. We can see. Bahut acha lag raha hai morning shoots pe aake. Wow. Majedar. Mera ek earring gir gaya. Maine kahan rakha hai? Apne jhukha gira re andheri ke bazaar. What jhukha? Where jhukha? हाँ रॉन्ग लिरिक्स है. व्हाट झुमका नहीं वेयर झुमका. वेयर इज द झुमका. गिरा तो वेयर इज द झुमका. शो मी योर थुमका है वो. जो भी मिलते जुलते तो सॉन्ग है. बेस ब्लेंड नहीं हुआ है क्या. मेकअप किया है. ओ नींद है ना यार. 5 बजे का शूट सर आप रखोगे तो कैसे आएंगे एक्टर्स. जैसे मुझे इतना शौक था ना मॉर्निंग शूट करने का. राखी का शूट तो हो गया है. नाउ आई हैव चेंज इनटू माय सेकंड आउटफिट और ये मैंने मॉम का टॉप पहना है. बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके साथ. एंड यहाँ पे पूरा मेस हो चुका है बिकॉज हमारे एक ही रील में इतने सारे कॉस्ट्यूम्स है सीन्स है. बट बहुत ही प्यारी रील बनने वाली है. सो ज़रूर चेकआउट करना. जब तक ये मैं ब्लॉग ऐड करूँगी आई थिंक तब तक वो रील आ गई होगी. अभी आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी. बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कौन से बैकग्राउंड पे क्या करना है कैसे करना है लाइट्स क्या है एंड ऑल दैट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फेस लाइट पे अगर बहुत हार्श हो गया तो अच्छा भी नहीं लगेगा. तो हमें शूट में दिखाना है टीवी रिमोट जो राज खेल रहा है. सो मैं वही ढूंढने के लिए जा रही हूँ नीचे के फ्लोर्स में. अभी सब बंद है यहाँ पर. जिम ओपन है वहाँ पे सब एक्सरसाइज कर रहे हैं. मैं अभी टीवी रिमोट मांगने जाऊँगी. सो लेट्स सी. फाइनली मुझे टीवी रिमोट मिल चुका है. नीचे एक स्टूडियो था वहाँ पर डांस स्टूडियो था. सो लकीली मुझे मिल गया. इन्हें तो सब मुझे एसी रिमोट ही दे रहे थे. तेरा एक ही ना उसमें तो 10 फंबल मारेगी. मेरा मैन मुझे नहीं आता ये सब भाई. मुझे मेरा पैसा तो मैं जाती हूँ. लाइन बोल राज मैं हाफ एन आवर के लिए टीवी देखूं. यहाँ पे रिक्वेस्ट मत कर. नहीं यहाँ पे रिक्वेस्ट मैं वही बोल. हम लोग पैरेलल यूनिवर्स कर रहे हैं ना तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टोन आएगा ही नहीं. तू ऑर्डर दे राज मुझे टीवी देखना है. वो आज का जो एपिसोड आ रहा है ना राज मुझे टीवी देखना है. वो रॉन्ग एटीट्यूड भी नहीं के एटीट्यूड से बोले राज चल मेरे को देने. नॉर्मल राज मुझे ना वो एपिसोड देखना है. राज मुझे रिमोट देना. मुझे वो एपिसोड देखना है. आज वो एक चुड़ैल एक डायन वाले एपिसोड में वो श्रापित बुढ़िया का फेस रिवील होने वाला है. बस इतना ही बोल. एक्साइटमेंट के साथ तो आई विल बी लाइक तो मैं भी उसमें आ जाऊंगा. क्या बात कर रही है आज फेस रिवील हो रहा है. चल 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 साथ में देखते कौन से चैनल पे आता है. सो यहाँ पे सोनू का एक और भाई आ चुका है. कॉकरोच ऑगी 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 इज हियर. ऑगी एंड द कॉकरोच इज राज क्या हो गया. अच्छा मैं रिवर्स कर रहा था. मैंने बोला बुरा सपना देख लिया दिन में. दिस इज माय थर्ड चेंज. सो आई एम वेयरिंग अ जैकेट सेम पैंट्स. ओके नहीं 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 सोनू मुझे क्यों बोल रही. सॉरी. ओके कंटिन्यू रोलिंग फाइटिंग्स. यार चल तू उधर देख रही है. साउंड मजा मिल जाएगा. इतना नाटक मत कर. ओ ऐसे कैसे बोल रही है मिल जाएगा. मतलब मुझे चाहिए खाना है मुझे यार. अरे ऐसे कैसे चिल्ला रहा है आके देखना. चिल्ला रहे मतलब तुझे शेयर करना चाहिए. मैंने तुझे गिफ्ट दिया था. तू शेयर कर खुद का लेके क्या. एक दो बच्चे मतलब क्या बोल रही है. नहीं तुझे मुझे बोल. नहीं सुनो तूने क्यों. मैं मम्मी को बोलूंगा भेजा के. तू मम्मी को बोल दे जा. मैं बोलूंगा. तू ऐसा क्यों किया. मैं तुझे डरती नहीं जा.
इतनी खुशी, इतनी खुशी जो मुझे हुई है। कितने घंटे बाद खाना खा रहे हैं? 7 से मैं 5:30 बजे मैंने एक कप चाय पी थी, दैट्स इट। तो 5:30 से 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 8 घंटे बाद में खा। ओ माय गॉड, वो भी खा रहे हैं सैंडविच। वो भी एकदम ठंडी हो चुकी है जो डैड लेकर आए थे सुबह 10 बजे। हाँ, हमने डोसा और जूस नाश्ता कर लिया सबने। जल्दी पकड़, जल्दी पकड़। गाइस, जोरों से बारिश आ रही है। मैं तो भीग गया था। गाइस, हम यहां से यहां आए उसमें इतनी जोर से बारिश आई और हम भीग गए। ये देखो गाइस, हम मुंबई वेदर की बात कर रहे थे। इतनी जोरों से बारिश आ रही थी, मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए, सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं एंड वहां पर घने बादल छाए हुए हैं, बट यहां सब जगह पे धूप है और यहाँ छाव है। वापस छाव हो गई। ये क्या हो रहा है यार? कभी कभी छाव, कभी वड़ा, कभी पाव। Hey everyone, so after shoot I came home and crashed। खाना भी नहीं खाया था, ब्रंच जो किया था मैंने, डोसा खाया था स्टूडियो में, बस वही हम घर पर आए एंड मुझे तो काफ़ी डिजी फील हो रहा था बिकॉज हम 4:30-5 बजे से जग रहे थे एंड 8 घंटे हमने शूट किया, ट्रैवलिंग अलग, 1-2 घंटा पकड़ के चल लो। सो आई वॉज जस्ट आउट, अभी उठ के चाय पी है एंड मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। कुछ मेरे करियर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम, सो उसी के लिए मैं कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। एंड येस, इट्स रिलेटेड टू राखी, तो मुझे प्री सेलिब्रेशन राखी में तो ऐड करना बनता ही था। सो एज यू कैन सी, मैं इंडियन सेक्शन में हूँ, उसी के लिए कुछ शॉप करने आई हूँ, बट सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में ही बता पाऊँगी, अभी कुछ नहीं बता पाऊँगी। सो स्टे ट्यून, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है एंड मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जो लाइफ का फर्स्ट होगा वो ऐसे होगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस, फर्स्ट ऑलवेज स्पेशल होते हैं। सो सारी डिटेल मैं एक अलग ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखना बिकॉज वो मेरे लाइफ का बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा एंड बहुत सारी डिटेल्स होगी, मस्ती होगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हम मॉल से आ गए सब कुछ खाने के लिए एंड लकीली आज हमें कॉर्नर प्लेस मिल चुकी है। वीकेंड है, मॉल में इतनी क्राउड थी कि फूड कोर्ट में खाने का कुछ जगह भी नहीं थी और बहुत वेटिंग्स थी 30-40 मिनट्स की एंड हम यहाँ पे आ गए चटपटे खाने। अभी हमने समोसा चाट मंगवाई थी जो ख़त्म हो चुकी थी, बहुत ही भूख लगी थी, खेल मंगवाई थी एंड अभी आई है गर्मा गर्म बटर पाव भाजी एंड मॉम ने ऑर्डर किया है मेन कोर्स एंड चपाती। लेट मी शो यू द पाव भाजी, इतनी बटरी है, मुँह में पानी आ रहा है कि मैं कब कैमरा रखूँ और खाने लगूँ जल्दी जल्दी। ये रही गर्मा गर्म बटर पाव भाजी, ये रही गार्लिक चटनी, एक सैलड है एंड ये रहा मेन कोर्स। तो खाना खाने के बाद मीठा पान तो बनता ही है एंड इस बार हमने ये रोज चटनी ऐड करवाई है बिकॉज राज को रोज़ काफ़ी पसंद है, तो सोचा ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है एंड बहुत टाइम बाद खा लेना, खुशबू भी अच्छी आ रही है। मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ एंड हमने बहुत सारी राखी सेलिब्रेशंस कर ली है एंड जो अभी 30-31 को आने वाली है वो तो हम मनाने ही वाले ऑब्वियसली, बट हमने शूट में बहुत सारी बार यू नो राखी सेलिब्रेशंस कर ली है। सो या, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखाती हूँ, बाय बाय।